I am including my before and after picture in this video. सो ये लगभग 25 अगस्त की पिक्चर है बिफोर वाली एंड आफ्टर वाली अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्च की पिक्चर है. तो 6 महीने मैंने रुजुता मैम की जो डाइट फॉलो की है, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ भी हुआ है, तो उसमें ये रिजल्ट्स आए हैं. कुछ इंचेस रिड्यूस हुए हैं ऑल ओवर बॉडी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुए हैं बट थोड़े बहुत डेफिनेटली हुए हैं एंड स्लो एंड स्टडी हो रहे हैं. और मैंने कैसे किया 10 किलो कम 6 महीने में, तो पूरी जर्नी की सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं वीक 1 से लेकर के वीक 24-25 तक, तो वो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं. एंड इफ़ आई बी रियली प्रिसाइज, रुजुता मैम की डाइट फॉलो करने पर 10 kgs वेट लॉस हुआ है एग्जैक्टली इन 6 मंथ्स. गाइज वीडियो को लाइक करना टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बींग इन टच. हाई एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका. रुजुता मैम की डाइट को सीरियसली फॉलो करते हुए, लाइक ऑलमोस्ट सीरियसली, नॉट दैट सीरियसली, मुझे हो गए हैं आज 26 वीक्स, विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब इतने अच्छे से मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया, आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड हाँ, थोड़ा और अच्छे से कर सकती थी, आई नो दैट, बट स्टिल स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस. मैं कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही हूँ, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वेट लॉस भाग भाग करके नहीं होता है कि बहुत हम क्विक उसमें सोचें कि जल्दी से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. यू रियली नीड टू बी कंसिस्टेंट, बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे, पेशियंस रख करके, फिर ही सही मायने में वेट लॉस हेल्दी वाले वे में हो पाता है. सो 26 वीक्स में यहाँ पर आज मेरा वेट पहुँच गया है 62.0 kg. व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी 75 kgs वेट था. 75 से 62 यानी कि 13 kgs वेट लॉस, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ वेट लॉस है. लगभग 1.5 साल लग गए होंगे मुझे इसमें. पहले स्टार्टिंग में जो वेट लॉस था वो रुजुता मैम की डाइट से नहीं था, वो जनरली छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके था, कि फास्ट फूड वगैरह बंद किया, टाइम पर खाना खाना स्टार्ट किया, 3 kg तो ऐसे रिड्यूस किया था. देन 72 kg से लेकर के 62 kg, जो 10 kgs मैंने लूज़ किए हैं, ये कम्प्लीटली रुजुता मैम की डाइट को डेडिकेटेड है. कम्प्लीटली उनकी डाइट को फॉलो करके मैंने ये वेट कम किया है. थोड़ा बहुत वर्कआउट भी मैंने अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर दिया है. सो रुजुता मैम की डाइट की बात करते हैं, तो 10 kgs वेट लूज मैंने किए इन 26 वीक्स, यानी कि 6.5 महीने में मेरे 10 किलो कम हुए रुजुता मैम की डाइट से. एंड ओवरऑल मैंने 13 kgs कम किए हैं. सो आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई होप आप लोगों को भी मैं उतना ही मोटिवेट करती होंगी. बहुत ही सिंपल सा खाना खाना होता है, देसी सा घर का खाना, आराम से चौकड़ी मार के, पलौथी मार के, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, थोड़े फ्रूट्स, नारियल पानी, दही, दूध, सब्जी, दाल, बस बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें. परौंठा भी खाना खा सकते हैं, जिसमें आप उत्तपम, इडली, डोसा, उपमा, बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं. तो बहुत ही सिंपल सी डाइट है फॉलो करनी. प्रॉपर डाइट चार्ट के वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरी पूरी जर्नी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरे मेकअप लुक का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. एंड इस हफ्ते मैंने क्या क्या खाया, कैसे मेरा वेट कम हुआ, वो सब आपको मैं बताती हूँ. बिफोर दैट एक डिस्क्लेमर है, क्वारंटाइन पीरियड की वजह से थोड़ा सा एक आधा बाद में मील कम हुआ होगा, थोड़ा सा रिपीटेशन बहुत बढ़ गया होगा, बिकॉज फूड वेस्टेज नहीं करनी है. एंड थोड़ा सा लाइक चीज़ें हच पच हैं, बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग माई बेस्ट टू मैनेज, ताकि फूड वेस्ट ना हो और डाइट भी थोड़ी बहुत अच्छे से फॉलो हो पाए. तो उन चीज़ों को कंसिडर मैंने किया है. सो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. वीडियो अच्छी लगती हो मेरी डाइट वाली देखनी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए. 20th मार्च, 62.6 kg. फर्स्ट मील ऑफ द डे, आई एम ईटिंग अ बनाना. देन 25 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आलू प्याज का परौंठा खा रही हूँ और साथ में गाय के दूध का बना मक्खन है और गाय के घी में ही कुक किया गया है. 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने नारियल पानी पिया, फ्रेश वाला. देन 2 घंटे के बाद लंच में मैं 1 से 2 छोटे साइज़ की रोटी खा रही हूँ, गाजर मटर की सब्ज़ी, हरे धनिया की चटनी और गाजर और शलगम गोभी का अचार. 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं तरबूज खा रही हूँ, फ्रेशली कट. 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं आटा, ब्रेड और भाजी खा रही हूँ, लाइक एक तरह से हेल्दी वाली पाव भाजी हो गई. देन 2 घंटे के बाद अब डिनर टाइम है. डिनर में मैं अरहर की दाल चावल खा रही हूँ और इसके पहले मैंने आधा घंटा के लिए वॉक की थी. 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं फ्रेश कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी रही हूँ.
2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं अरहर की दाल और चावल और गोभी का अचार खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैं छाछ पी रही हूँ, बटर मिल्क जिसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डाला है। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 1 कटोरी घी रोस्टेड मखाना खा रही हूँ, और मखाने के साथ में मैं गाजर का मुरब्बा खा रही हूँ, घर का बना हुआ। वैसे तो कायदे से इस टाइम पे फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए एक साथ में, बट मेरा मन कर रहा है खाने का, और मैं वैसे भी चाय नहीं पीती तो शुगर इनटेक होता नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीनी ऐसे खा भी ली तो कोई दिक्कत नहीं होता। 3 टीस्पून शुगर पूरे दिन में खाना अलाउड होता है। देन लगभग 1.5 घंटे के बाद मैंने आधे घंटे के लिए वर्कआउट किया, उसके बाद मैं ग्रीन जूस पी रही हूँ, और इसके 15-20 मिनट के बाद आई विल हैव माई डिनर। देन डिनर में अब मैं पुलाव खा रही हूँ, वेजिटेबल राइस। देन 2 घंटे के बाद सोने से आधा 1 घंटा पहले मैं 5-6 काजू खा रही हूँ। 22 मार्च, 62.6 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक बनाना खा रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट में आलू का परौंठा खा रही हूँ मक्खन के साथ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, चीकू और खरबूजा। देन 2 घंटे के बाद लंच में मैं 2 रोटी का चूरमा खा रही हूँ, देसी घी और चीनी डाल करके उस चूरमा के लड्डू बना करके। 2 घंटे के बाद मेरे आफ्टरनून स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 2 ऑरेंजेस खा रही हूँ, और इसके 2 घंटे के बाद मैं अपना डिनर करूँगी। देन 2 घंटे के बाद अब डिनर टाइम, डिनर में मैं चने की दाल की खिचड़ी और साथ में अचार खा रही हूँ। 23rd मार्च को 62.4 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं पपाया खा रही हूँ। देन फिर 30 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं पोहा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं सैलड खा रही हूँ। 1.5 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं 1 रोटी, छोलिया, मटर, आलू और पनीर की सब्ज़ी खा रही हूँ, और साथ में शलगम और गाजर का अचार। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं 1 रोटी और घी शक्कर खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने ग्रीन जूस पिया, साथ में मूंगफलियाँ खाई इवनिंग स्नैक में, और उसके 1.5 घंटे के बाद मैंने आधे घंटे के लिए वर्कआउट किया, फिर 15-20 मिनट के लिए योगा किया, और उसके बाद अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ। डिनर में मैं 2 रोटी का चूरमा खा रही हूँ, जिसमें थोड़ी बहुत चीनी भी एडेड है, एंड पूरे दिन में कोई चाय या और कोई शुगर इंटेक नहीं होता है, तो इसके लिए इस तरह से मैं कंज्यूम करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कायदे से रोटी सब्जी या दाल चावल या खिचड़ी खानी चाहिए इस टाइम पर, लेकिन पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए रोटी का चूरमा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद सोने से 1 घंटा पहले मैं हल्दी वाला दूध और 1 टीस्पून च्यवनप्राश खा रही हूँ। 24th मार्च, 62.5 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे आई एम ईटिंग अ बनाना। देन 30 मिनट्स के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं आलू का परौंठा खा रही हूँ मक्खन के साथ, घर का बना मक्खन है एंड ताज़ा मक्खन बना है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, समटाइम्स चलता है, कुछ नहीं होता, जस्ट दैट कि मेक श्योर करो पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, बाहर का नमकीन बिस्किट और ये सब चीज़ें अवॉइड करो, घर का खाना अच्छा वाला खा लेते हैं तो कभी नुकसान नहीं करेगा। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं राजमा चावल और सैलड खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद स्नैक में मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मैं इवनिंग स्नैक में पपीता खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद डिनर टाइम, डिनर में मैं राजमा चावल रिपीट कर रही हूँ। 2-3 घंटे के बाद सोने से लगभग आधा 1 घंटा पहले मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, तो मैं 5-6 काजू खा रही हूँ। 25 मार्च, 62.6 kg। देन इसके बाद में आफ्टर सम टाइम, लाइक सुबह उठ करके मैंने खाली पेट पानी पिया था, आफ्टर दैट उसके बाद में मैंने कुछ थोड़े बहुत घर के काम किए, क्वारंटीन पीरियड है तो झाड़ू और कुछ कुछ थोड़ा बहुत सफाई का काम, एंड आफ्टर दैट आई मीटिंग अ बनाना। देन फिर मैंने वर्कआउट किया आधे घंटे के लिए, 20 मिनट्स के लिए योगा किया, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं रोटी सब्जी अचार और प्याज खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं दही भल्ले और आलू, उबले हुए आलू इसमें हैं, और इमली की चटनी के साथ में खा रही हूँ। चीट मील है, हर रोज़ ऐसे नहीं खाना होता है, या फिर स्टीम्ड दही भल्ले आप खा सकते हैं जो कुकर में बन जाते हैं। 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक में या इवनिंग स्नैक में मैं ग्रीन जूस पी रही हूँ। 2-3 घंटे के बाद डिनर टाइम, डिनर में अरहर की दाल चावल साथ में सैलड। देन 2 घंटे के बाद सोने से लगभग 1 घंटा पहले 1 टीस्पून च्यवनप्राश और हल्दी वाला दूध। 26th मार्च, 62.5 kg। एंड वैसे मैं रोज़ खाली पेट वेट चेक करती हूँ, आज मैंने थोड़ा पानी भी पिया है तो 62.4 या 62.3 भी हो सकता है। फर्स्ट मील ऑफ द डे आई एम ईटिंग अ बनाना। देन बनाना खाने के 10 मिनट्स के बाद मैंने 5-10 मिनट्स के लिए ओम चांटिंग की, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं गाजर का परौंठा और मक्खन खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। नारियल पानी के बाद मैंने 2 पीस गुड़ जीरा के खाए। 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं चावल, अरहर की दाल और सैलड खा रही हूँ।
देन 3 घंटे के बाद ऑलमोस्ट लाइक मिड आफ्टरनून इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम में स्नैक में मैं ऑरेंजेस खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश खा रही हूँ। देन 2 घंटे के बाद डिनर में मैं घी रोस्टेड मखाना खा रही हूँ। 27th मार्च 62.0 kg। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा वेइंग मशीन पर 62.0 kg पहुंच गया है। इट डजेंट मीन कि अगले हफ्ते इससे कम होगा या इससे थोड़ा बड़ा हुआ नहीं आएगा। वेट फ्लक्चुएट करता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हाँ, एक बार 62 तक पहुंचा है तो डेफिनेटली आई विल मेक इट रीच टू 61 kg। नाउ नेक्स्ट मेरा गोल यही है। सो आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे इसमें, एंड मेरी वीडियो से आप भी मोटिवेट होते रहेंगे, मुझे भी मोटिवेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।